सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने काफी परेशानियां झेली थी। वो सोशल मीडिया पर ट्रॉल हुई, जेल गईं और लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। रिया चक्रवर्ती की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। उन्होंने हाल ही में अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो एक खास किताब पढ़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में रिया ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में वो हाथ में एक किताब लिए उसे ध्यान से पढ़ती नजर आ रही है। ये किताब रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है। इस पोस्ट को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, सवाल और रोना ओह कहाँ, 1000 धाराएं आंसुओं में बह गई और दुनिया को आश्वासन की बाढ़ से बहला दिया, मैं हूँ रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। साथ ही रिया ने कैप्शन के साथ कीपिंग दी फैथ हैशटैग लिखा है। उनके फैंस और दोस्तों ने रिया के इस कमबैक पर खुशी जताई है। शिवानी दांडेकर, सिद्धांत कपूर ने रिया के इस पोस्ट पर रिएक्ट किया है। बीते शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती को गेटवे ऑफ इंडिया पर स्पॉट किया गया था। इस मौके पर एक्टर साकिब सलीम और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी नजर आए। सभी तस्वीरों को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर मानव मंगलानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से साझा किया है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती और साकिब सलीम ने फिल्म मेरे डैड की मारुति में साथ काम किया था। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अपकमिंग फिल्म चेहरे में नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ था जिसमें रिया की झलक दिखाई दी थी। बता दें कि 14 जून को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए गए थे। अभिनेता के निधन के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार वालों ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद रिया को जेल जाना पड़ा था।